वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो ये जो व्लॉग है ये मैंने पहले ही बना के रखा था दो हफ्ते पहले आ, मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं किया तो ये मैंने पहले ही बना के रखा था सेटिंग्स भी सारी कर ली थी मैंने रमज़ान की सारी तैयारियां कर ली थी बस बीच में एक तो बच्चों के एग्जाम भी आ गए और मेरी तबियत अपनी भी ख़राब हो गई तो आज कुछ तबीयत मुझे बेटर लग रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर लेती हूँ तो ये जो थी मैंने रमज़ान की डेकोरेशन पहले ही कर ली थी और वीडियो भी बना के रखी हुई थी काफ़ी टाइम से मेरे पास ये वीडियो पड़ी हुई थी बनी हुई बस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई तो ये सारी सेटिंग्स मैंने कर ली थी ये डाइनिंग एरिया है मेरा पहले मैंने सोचा कि मैं वॉलपेपर पेपर भी चेंज करूँगी पर मैंने वॉलपेपर पेपर चेंज नहीं किया इन लाइट्स के साथ ही ये मतलब प्रॉपर जो है ना बहुत अच्छा लुक दे रहा था तो मैंने सोचा बस अब यही ठीक है और किचन में इस तरह से ये लाइट्स मेरे पास पड़ी हुई थी तो किचन में ये मैंने लगा ली थी तो इस तरह से मेरी जो डेकोरेशन है कंप्लीट हो गई बाकी जो मेरे लैंप्स वगैरह हैं मैंने बस उनकी थोड़ी जगह चेंज की इधर उधर तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी बेसिक तैयारी कर ली थी रमज़ान के लिए यहाँ पे मैंने चने जो है ये वन एंड हाफ के जी चने थे इनको भी मैंने सोक कर लिया था रात को और इनको बॉयल कर लिया उसके बाद इनके दो बैग्स बना के मैंने फ्रीज़ कर लिए थे ये बॉयल हो चुके थे और इनको फ्रीज़ कर लिया और यहाँ पे ये मैं वेजीज और समोसा पट्टी रोल पट्टी मैं लेके आई थी तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ये भी बना लूँगी पर इनकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई बस ये जो थे कैप्सिकम इनको मैंने कट कर करके जूलन कट कर करके सारी सब्जियों को तो मैंने कुछ फ्रीज़ कर ली थी और कुछ जो है उस टाइम बना ली थी ये कैप्सिकम मुझे आज बड़ी अच्छी प्राइस में मिल गए थे तीनों कलर्स में तो मैंने सोचा कि चलें इनको भी मैं जो है कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये शैरी में बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि शैरी में जो है मैं अक्सर ऑमलेट बनाती हूँ चीज़ ऑमलेट जो टोटीला रैप के साथ बनता है तो वो मेरा मेरे बच्चों का सबका फेवरेट है मेरे हस्बैंड का भी तो मैंने सोचा वो सही रहेगा तो यहाँ पे ये वेजीज़ में कट करके आ, हाफ जो है मैंने इस तरह से फ्रीज़ कर लिए थे सैरी के लिए और जो हाफ है मैंने आ, जो है उनमें से स्प्रिंग रोल वगैरह बना दिए थे तो यहाँ पे ये टाइम हो गया था सुबह के ग्यारह बज रहे थे बच्चों के आजकल पेपर चल रहे हैं तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में जो है ये मैंने क्विक सा पिज़्ज़ा बनाया वो भी पेन में तो बहुत ही जल्दी और आसानी से बन गया था बस आटे में दही और बेकिंग पाउडर मिला के तो मैंने इस तरह से इसकी डो रेडी कर ली थी और बड़ी अच्छी डो बन गई थी और टोमेटो पेस्ट को भी थोड़ा सा हल्का सा पका के उसमें नमक मिर्ची डाल के इस तरह से मैंने पिज़्ज़ा सॉस बना ली थी और ऊपर से इस तरह से मैंने गार्निश कर लिया इतना क्विक एंड ईज़ी पिज़्ज़ा मैंने बनाया और ट्वेंटी मिनट्स में ये बन गया था और बहुत ही मज़े का बना था हालांकि मैंने प्रॉपर जो रेसिपी है उसको फॉलो किया ही नहीं बस अपने तरीके से इसको बनाती गई और बड़ा ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा जो है बन गया था बहुत ही सॉफ्ट और ये बनाना भी बहुत ही आसान था बस मैंने दो कप मैदा लिया और उसमें जो है वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और थ्री टेबल स्पून योगर्ट डाली थी और उसके अलावा थोड़ा सा नमक डाल के मैंने डो रेडी कर ली और उसको हल्का सा गूंद के पाँच मिनट के बाद बस मैंने कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था और इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट किस्म का ये डो बनता है ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी वक्त और ऊपर से कोई स्पेशल मेरे पास था या पिज़्ज़ा सॉस कोई नहीं लगाई बस जो मेरे पास टोमेटो पेस्ट पड़ा था उसी में नमक और मिर्चें डाल के तो थोड़ा सा विनेगर डाल के उसको मैंने पका लिया और ऊपर से इसके मैंने लगा लिया था तो बहुत ही मज़े का जो है ना ये बनता है ज़रूर ट्राई कीजिएगा कभी बस इसमें एक ही गड़बड़ हुई थी जो मैंने सब्जियां डाली थी ना उनको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेना चाहिए था मैंने ऐसे ही डायरेक्ट डाल दी तो थोड़ा सा पानी उनका निकल के आ गया था तो ये अदर साइड जो है कैप्सिकम कट हो गए थे और ये मैंने इमली की चटनी भी बना ली थी और उसको बना के मैंने इस तरह से फ्रीज कर लिया और वही रेसिपी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई हुई है खजूर और इमली की चटनी की और यहाँ पे ये मैं बना रही थी डेट मिल्क मेरे हस्बैंड के लिए आ, ये खजूरों के साथ बनता है इसमें मैं कोई शुगर वग़ैरह कुछ भी ऐड नहीं करती बस खजूरें डाल देती हूँ सॉफ्ट वाली तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्रेश डेट मिल्क बन जाता है और इसका फ्लेवर भी इतना अच्छा होता है ज़बरदस्त होता है और ये हेल्दी है बहुत ज़्यादा तो ये भी मैंने बना के तो इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए ये तो छोटा गिलास है वैसे आप जो है मतलब एक जो बड़ा गिलास होता है उसमें पांच खजूरें डाल के उसको ब्लेंड कर लेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में तो यहाँ पे जो है मैंने काफ़ी तैयारी कर ली थी ये फ्रीज़ कर लिए थे चने और ब्लैक बीन्स और ये जो है कौरमे के लिए मैंने मसाला बना के रखा था सॉरी मैंने किसी चीज़ की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि बस बॉयलिंग का ही काम था सारा कोई ख़ास मतलब इसमें था नहीं काम और यहाँ पे ये रोल समोसे भी मैंने बना दिए थे और ये तो सबको आते हैं तकरीबन तो मैंने सोचा कि चलें बस इस बार मैं नहीं करती शेयर नेक्स्ट टाइम मैं कर लूँगी क्योंकि ये तो वैसे ही दस दिन में ख़त्म हो जाने वाले हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जो बनाऊँगी तो वो ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पे ये मैं चीज़ ऑमलेट बना रही थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था तो इसमें जो है मैंने डाली थी हरी मिर्चें चॉप की हुई चॉप हरी प्याज़ और हरा धनिया और थोड़ा सा टमाटर भी डाला था और मसालों में ये रेड चिली पाउडर ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला था और साथ में ये मोजरेला चीज़ था तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से मिक्स कर ली थी और पांच अंडे मैंने इसमें डाल दिए हरी मिर्चें मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी हैं इस बार और इसमें जो है जाएगा वन टी सॉल्ट और वन टी रेड चिली पाउडर वन टीस्पून ही इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर क्योंकि ये पांच अंडे हैं तो इसलिए हम वन वन टीस्पून डालेंगे बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें और इसकी रेसिपी मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बना था तो बस ये इस तरह से डाल के तो इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये सारे मसाले जो हैं मिक्स हो जाएं टमाटर प्याज सब यक हो जाएं तो उसके बाद जो है हम पेन जो है हल्का सा गर्म करेंगे और पेन के ऊपर जो है हम इसको डाल देंगे एक साइड पक जाएगी जब हम इसको फ़्लिप करेंगे तो ऊपर से हम इसके चीज़ डाल देंगे और उसके बाद इसके साइड्स बंद कर लेंगे तो यहाँ पे एक साइड पक चुकी है इसकी और ये मैं दूसरी साइड इसकी पका रही हूँ और जब दूसरी साइड भी पक जाएगी तो इसको फ्लिप करके बस बीच में इसके चीज़ डाल दूँगी तो यहाँ पे इसको मैंने टर्न कर लिया था अब इसके ऊपर अब आपकी मर्ज़ी आप चेडर चीज डालें मोजरेला डालें अगर दोनों हैं तो दोनों डाल दें मेरे पास अभी जो है मोजरेला था तो वो मैंने डाला और इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो अब लेती हूँ मैं इजाज़त और इन जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो शहरी और रफ्तारी की होगी इनशाला और अल्लाह पाक हम सबकी जो इबादत हैं हमारी दुआएं कबूल फरमाएं और अल्लाह पाक हमें और नेकियां करने की तोहफ़ी क़ा फरमाए आमीन सुम आमीन और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर एंड रमंदान करीम टू ऑल ऑफ यू